क्या आपको पता है ओनली 3% ऑफ इंडियंस आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बाय द एज ऑफ 40। यानी कि अभी तक हम में से ज्यादातर लोग वर्क अर्न स्पेंड और रिपीट वाली साइकिल में स्टक है। बट इट डजंट हैव टू बी दिस वे। वेल्थ क्रिएट करना कोई लक या प्रिविलेज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वेल्थ क्रिएशन के प्रिंसिपल्स पर आपकी अंडरस्टैंडिंग और आप कैसे इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है। पर क्या है ये प्रिंसिपल्स, आइए देखते हैं। हाय, दिस इज पारी एंड यू आर वॉचिंग पैसा वसूल बाय बजाज ब्रोकिंग, जहां हम हर हफ्ते डिस्कस करते हैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल आइडियाज एंड हाउ यू कैन एफिशिएंटली मैनेज देम। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में क्लियरली लिखा था कि बहुत लोग अपने मंजिल या गोल तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें क्या चाहिए। इस वीडियो के एंड तक आपके पास अपने वेल्थ को स्ट्रेटेजिकली बिल्ड करने का एक क्लियर आइडिया होगा। लेकिन उससे पहले लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज वेल्थ बिल्डिंग और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल्थ बिल्डिंग मतलब अपने पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट करके अपने एसेट्स को बढ़ाना, और ये आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिटायरमेंट प्लानिंग, गोल अचीवमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और जेनरेशनल वेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में जिससे आप अपने वेल्थ को बिल्ड कर सकते हो। गोल्डन रूल 1, प्लान योर फाइनेंशियल फ्यूचर। अपने वेल्थ को बिल्ड करने से पहले एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लान बनाना क्रूशल है। आप किसके लिए और कहां अपना मनी यूटिलाइज करना चाहते हो ये डिटरमाइन करना इसेंशियल है। रिटायरमेंट के लिए, घर खरीदने के लिए या फिर शादी के लिए, नो योर गोल। तो अपना गोल जानने के बाद अगला स्टेप है अडॉप्ट द स्मार्ट अप्रोच। इंश्योर करें कि आपका गोल एक्शनेबल और अचीवेबल है बाय अडॉप्टिंग द स्मार्ट गोल सेटिंग फ्रेमवर्क। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। नेक्स्ट, क्राफ्ट अ प्लान। अपना गोल डिटरमाइन कर लेने के बाद अगला स्टेप है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डेवलप करना। इस प्लान में आपके फाइनेंशियल लाइफ से जुड़े कुछ एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि अपने इनकम और एक्सपेंसेस को प्लान करने के लिए एक बजट बनाना और अपनी करंट इनकम को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर करना। गोल्डन रूल 2, इन्वेस्ट। अपने मनी को सेव करने के साथ साथ उसे इन्वेस्ट करना भी इसेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सेफ में 1,00,000 है, ये अमाउंट 5 साल के बाद भी सेम रहेगा और उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ये 1,00,000 इन्वेस्ट कर देते हो, वो टाइम के साथ कंपाउंड होता रहता है। वाइल देर आर ऑल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मोस्ट पीपल विल वॉन्ट टू स्टार्ट विद द बेसिक्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स। बिगनर्स के लिए डाइवर्सिफिकेशन क्रूशियल है। एक इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड होने की जगह अपने मनी को अलग अलग ऑप्शंस में स्प्रेड करें। SIPs और ETFs इन्वेस्ट करने के लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। गोल्डन प्रिंसिपल 3, सेफगार्ड योर एसेट्स। हम सब अपने एसेट्स को ग्रो करना चाहते हैं और इसके साथ उन्हें प्रोटेक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन जैसे फायर, एक्सीडेंट्स या सडन डेथ के लिए हमें पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, सो दैट हमारे हार्ड अर्न्ड एसेट्स प्रोटेक्टेड रहे और हमें लास्ट मिनट फाइनेंशियल क्रंच नहीं फेस करना पड़े। दिस इज वेयर इंश्योरेंस कम्स इन। अपने बिगेस्ट एसेट्स यानी कि अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए होम इंश्योरेंस, कार एक्सीडेंट के केस में ऑटो इंश्योरेंस और सडन डेथ के केस में लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है। अपने और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, फैमिली सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड के लिए एन इंश्योरेंस इज अ मस्ट। बट रिमेंबर, किसी भी इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने से पहले मेक श्योर यू कंपेयर प्लान्स, अंडरस्टैंड द पॉलिसी टर्म, मेंटेन रेगुलर पेमेंट्स एंड कंसल्ट एन इंश्योरेंस एडवाइजर। गोल्डन प्रिंसिपल 4, रिड्यूस योर टैक्स बर्डन। टैक्सेस आर लाइक अ साइलेंट पार्टी क्रैशर इन योर वेल्थ बिल्डिंग जर्नी। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के अलावा योर इन्वेस्टमेंट्स कैन आल्सो गेट टैक्स्ड। इसलिए जरूरी है कि आप अपने टैक्स एक्सपोजर्स को समझें और स्ट्रेटजीज डेवलप करें ताकि इनका असर कम हो। अपने टैक्स को कम करने का एक आसान तरीका है, इन्वेस्ट इन टैक्स एडवांटेज अकाउंट्स लाइक 529 कॉलेज सेविंग्स प्लान्स, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स IRAs और 401k प्लान्स। ये अकाउंट्स आपकी सेविंग्स बढ़ाने और टैक्स बिल को कम करने में मदद करते हैं। फॉर इंस्टेंस, ट्रेडिशनल IRA या 401k में कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्स डिडक्टेबल होते हैं, जिससे आप टैक्सेबल इनकम कम करके
टैक्सेस बचा सकते हैं। रॉथ IRA या रॉथ 401k में इन्वेस्टमेंट गेन्स टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं, जिसे आप पैसा ग्रो और विथड्रॉ कर सकते हो बिना किसी इनकम या गेन्स पर टैक्स दिए। टैक्स को कम करने का एक और तरीका है अपने इन्वेस्टमेंट्स की टाइमिंग और लोकेशन का ध्यान रखना। आप एक साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होल्ड करके लोअर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट को टैक्स एडवांटेज अकाउंट में रखना चाहिए, जैसे रॉथ IRA, जहां पेमेंट्स टैक्सेबल इवेंट्स ट्रिगर नहीं करेंगे। गोल्डन प्रिंसिपल 5, डेट मैनेजमेंट एंड क्रेडिट बिल्डिंग। एज यू मूव अहेड ऑन योर जर्नी टू क्रिएट वेल्थ, टेकिंग ऑन डेट कैन बी अ स्मार्ट मूव, वेदर इट्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स और एनीथिंग एल्स। जैसे क्रेडिट कार्ड से पॉइंट्स या रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वैसे ही घर के लिए मॉर्गेज लेना या अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए पर्सनल लोन लेना सब एक तरह का फाइनेंशियल टूल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पर्सनल लोन एक ऑप्शन हो सकता है जो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगा। लेकिन याद रखें, अपने लोन को समझदारी से मैनेज करें, क्योंकि अत्यंत लोन आगे के प्रोग्रेस को रोक सकता है। अपने डेट टू इनकम रेशियो पर ध्यान देकर सुरक्षित रहें और ये इंश्योर करें कि आपके ओड अमाउंट बजट के अंदर रहे। हाई इंटरेस्ट डेट जैसे कि क्रेडिट कार्ड लोन को जल्द से चुकाएं, सो दैट मैक्सिमम इंटरेस्ट कैन बी सेव्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका महीने का खर्चा 50,000 है तो आपका लोन और क्रेडिट कार्ड इससे कम होना चाहिए, ताकि आपकी फाइनेंशियल बीइंग स्टेबल रहे। रिमेंबर, फाइनेंशियल डिसीजंस कैन बी लाइक चेस मूव्स, प्लान एंड स्ट्रेटजाइज टू स्टे अहेड इन द गेम। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। To see more informative videos like this, stay tuned to Paisa Vasool and don't forget to subscribe to our channel and hit the like button. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.